तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो कि मिनिमम एनर्जी रॉकेट हैड लॉन्च सच दैट नेवर रिटर्न टू द अर्थ। नेवर रिटर्न मतलब कहाँ चला गया भाई, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो, ठीक है। और अगर जस्ट पहुँच गया है तो मतलब जस्ट पहुँच गया है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ रॉकेट शुड बी लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, मतलब वही रॉकेट लॉन्चर है मून से लॉन्च करे तो हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इज द मिनिमम एनर्जी डिलीवर बाय द रॉकेट अर्थ पर। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून सेम लेना है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि दैट मून इक्वल एंड द अर्थ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द मून। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो वॉल्यूम अगर 64 टाइम्स है तो यहाँ से तो देखोगे मून का जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और 64 टाइम्स। तो जब डेंसिटी सेम है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मास ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो ये वॉल्यूम और मास में रिलेशन पता चल गया। अब रेडियस में अगर रिलेशन हमें चाहिए भाई, रेडियस में भी रिलेशन निकालना होता है। तो यहाँ से देखो कि वॉल्यूम मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द मून और वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/64 और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मास ऑफ डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहाँ से तुम देखोगे तो ये डेंसिटी ख़त्म हो गया और यहाँ से तुम वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू यहाँ से और 1/64 और यहाँ से 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू यहाँ से कट गया। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ द मून आ जाएगा वो आ जाएगा RE/4। मतलब ये यहाँ से एक रिलेशन मिल गया हमें। तो मून का रेडियस हमें पता चल गया, रेडियस ऑफ अर्थ का। तो ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया किसमें, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब बात करते हैं एस्केप एनर्जी, मिनिमम एस्केप एनर्जी। पहले अर्थ पे बात करेंगे फिर मून पे बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले अर्थ पे हम बात करें। तो अर्थ पे अगर बात करते हैं तो अगर कोई पार्टिकल है, जस्ट मिनिमम एनर्जी, जस्ट इसको एस्केप करने के लिए मिनिमम एनर्जी यहाँ से इन्फिनिटी को पहुँचाने में, तो उसके पास मिनिमम एनर्जी जो होती है उसको हम बोलते हैं एस्केप एनर्जी। तो एस्केप एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाफ मास और वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ मास m और एस्केप वेलोसिटी माइनस gm प्लस 2 टाइम्स gm ओवर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये आ जाएगा प्लस gmm ओवर r, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। हाँ भाई, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो होगा ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ई है, एस्केप एनर्जी है। तो दिस इज द स्टोरी बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मून पे चले जाओ, तो मून पे चले जाओगे तो मून पे जो एनर्जी है वो से देखो, अर्थ पे एस्केप एनर्जी जो है जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द पार्टिकल और रेडियस ऑफ द अर्थ, ये इक्वेशन नंबर 1। अब मून पे आ जाओ, एट मून पर इसी इक्वेशन को लिखोगे तो एस्केप एनर्जी ई डैश इक्वल टू जी, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड और रेडियस ऑफ द मून यहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो इसकी जो वैल्यू होती है जी, मास ऑफ मून जो है ई टाइम्स 1/64 टाइम्स है और ये स्मॉल एम जो प्रोजेक्टेड है, और रेडियस ऑफ द मून जो है, रेडियस ऑफ अर्थ 1/4 है तो 4 ऊपर चला गया तो ये 16 टाइम कैंसिल हो गया तो 1/16 और ये जो है जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ द पार्टिकल और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में मैंने लिख लिया। और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो ई डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू वो ई के बराबर है। तो E/16 दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस हिसाब से हम लोगों का C ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।